नमस्कार। इस वक्त हम हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार लाल चने की जो आवक है वो निरंतर बढ़ रही है। यही कारण है कि लगातार दाम में उतार चढ़ाव की स्थिति भी जो है लाल चने में देखने मिल रही है। हमारे साथ लाल चने के व्यापारी हैं सुलभ जी, उनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ स्थिति लाल चने के व्यापार को लेकर बनती नजर आ रही है। सुलभ जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि लाल चने को लेकर क्या स्थिति बन रही है और क्या कुछ आवक अभी हमारे पास वर्तमान में? लाल चने के लेकर अपन ने पिछली बार भी जब बात करी थी, मैंने आपको कहा था कि आवक का प्रेशर अगर नहीं बढ़ता तो बाजारों को कहीं भी तेजी की चाल मिलेगी, और वही हुआ है। अपन ने जब बात करी थी जब चना 6162 की रेंज था और आज चना 6500 रुपये की रेंज है, करीबन 300 रुपये की तेजी चने में आ चुकी है, जिसका सीधा साधा कारण ये है कि बाजार में क्रॉप आवक नहीं है, ना के बराबर है। डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई कम है, तो कहीं भी बाजार में तेजी का ही चाल दिखती है। आवक बढ़ने पर कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखी जा सकती है, पर फ्यूचर जो है चने का बहुत अच्छा दिखता है। मैम, यदि हम बात करें तो लगातार हमारे पास लाल चने की आवक हो रही है, जिस तरह की आवक है क्या उस तरह की डिमांड भी हमारे पास लाल चने की है? डिमांड बहुत अच्छी है हमारे पास में भी लाल चने की, पर आवक उस तरह से नहीं हो पा रही है। जो एक चाल चलनी चाहिए, बननी चाहिए आवक की, वैसी कुछ भी आवक की चाल बन नहीं पा रही है, जिससे बाजार में तेजी का सपोर्ट मिल रहा है। और अगर अभी ऐसा लगता है कि अगले 5-7-8 दिन और आवक नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शादी विवाह बहुत हैं, जिसके कारण किसान भी मंडी में आने में कतरा रहे हैं, और बेमौसम बारिश के कारण भी उनका माल जो गोडाउन में चला गया है तो वो अब उनकी मर्जी से ही बाहर निकलेगा। यदि हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल किस तरह का व्यापार चने का रहा है, और आने वाले समय में हम क्या कुछ संभावना चने के व्यापार को लेकर जता पा रहे हैं? चने का व्यापार पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है, डिमांड काफ़ी अच्छी रही है पिछले साल से, और पिछले साल से कहीं भी 1000 से 1500 रुपये चने में के भाव ज़्यादा हैं पिछले साल की अपेक्षा। आगे भी चने का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और बहुत सुचारू रूप से चलेगा, और अब की बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि MP के चने की डिमांड हर जगह बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं MP वालों को इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पूरे साल व्यापार चलते रहेगा और कहीं ना कहीं 2 पैसे की मजदूरी सबको मिलती रहेगी। यदि हम बात करें तो आने वाले समय में चने के दाम कहां तक जा सकते हैं और किस तरह का व्यापार आने वाले समय में होने की संभावना हम जता पा रहे हैं? मैंने आपको सबसे पहली बार जब आपने मुझसे बात करी थी, जब भी मैंने आपको कहा था कि चना कहीं भी 6500 रुपये की रेंज के आसपास में आके रुकेगा, अभी बाजार आज 6400 से 6500 की रेंज में है, कहीं भी 6500 से 6700 के बीच में बाजार आके यहाँ पर थमना चाहिए। और अगर चना यहाँ नहीं रुकता है तो 5 मई 10 मई तक चना 7000 रुपये की रेंज क्रॉस कर जाएगा, पर ज़्यादा तेजी भी नुकसान का कारण हो जाती है, और इसलिए चने को कहीं भी 6500 से 6700 की रेंज के आसपास में आके थोड़ा सा मुनाफा वसूली के कारण बाजार थोड़ा सा घटता हुआ यहाँ से दिखता है हमें, पर भविष्य चने का बहुत अच्छा है, चना कहीं भी 7000 से 7500 रुपये के भाव को देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पे तो सुलभ जी थे जो कि चना व्यापारी हैं, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि आने वाला जो समय है वो चने के व्यापार के लिए फायदेमंद रहेगा और आने वाले समय में चने के जो दाम है वो भी निरंतर बढ़ते नजर आएंगे। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।